और चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर आपको बता दें अंबाला में, जहां पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 14 क्विंटल नशे की खेप बरामद की गई, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कबाड़ के ट्रक में लेकर अंबाला पहुंचे थे आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंबाला से बड़ी खबर, कबाड़ के ट्रक में यहां पर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कमलप्रीत सबरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, तो लगातार नशे के इन मामलों पर एसटीएफ काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है और कामयाबी भी एसटीएफ के हाथ लग रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी दो दिन पहले ही जो है वो चंडीगढ़ के अंदर गृह मंत्री अनिल विज ने सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक ली थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नशे को लेकर जो है वो किसी भी तरह का ढिलमुल जो रवैया है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी के तहत कहीं ना कहीं एसटीएफ जो है वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और कल भी एसटीएफ को सूचना मिली थी कि राजस्थान से जो है कोई नशे की बड़ी खेप एक ट्रक के माध्यम से अंबाला होकर निकलेगी, जिसके बाद इन्होंने अंबाला में जो है पूरा जाल बिछाया और जिसमें जो है इस ट्रक को रोका गया। इसके अंदर पीछे जो है वो कबाड़ भरा हुआ था और कबाड़ की बोरियों के अंदर ही जो है ये नशे की बड़ी खेप थी। लगभग 13 क्विंटल और 44 किलो जो है ये नशे की खेप जो है चूरा पोस्ट जो है पुलिस ने बरामद किया। हालांकि देर रात तक जो है इस खेप को तोला गया। वहां पर बकायदा जो है हाईवे के ऊपर ही जो है वो तोलने वाला कांटा जो है वो मंगाया गया, उसके बाद बोरियां मंगाई गई और ये पूरी नशे की खेप को सील किया। और पुलिस ने जो है साथ ही साथ जो दोनों आरोपी जो इस ट्रक में सवार थे फिलहाल जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब कोशिश कर रही है कि उनसे पूछताछ करेगी, उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा और जाहिर सी बात है उनसे ये भी पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी नशे की खेप ये कहाँ लेकर आए, कहाँ इन्हें देनी थी और कौन जो लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे हैं। जी बिल्कुल कमलप्रीत, और एक तरफ ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बदलाव का जो दावा किया जा रहा है, कहीं एक तरफ आपराधिक तत्वों के ऊपर उनकी जो संपत्ति है बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उससे आम जनता में भरोसा फिर से जग रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर था वो यूपी से चला था लेकिन अब वो हरियाणा में प्रवेश कर चुका है और हरियाणा में जो गृह मंत्री अनिल विज है वो उस बुलडोजर पर फिलहाल जरूर सवार दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को जो है ये हिदायतें दी हैं कि इस तरीके के जो भी नशा व्यापारी जो है वो जब पकड़े जाते हैं तो ऐसे नशा व्यापारियों की जो संपत्ति है उसको भी जो है उनके केसेस के साथ अटैच किया जाए और ताकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सके। बीते जो है लगभग 6 महीने में जिस तरीके से इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है उससे कहीं ना कहीं जो छोटे जो नशा व्यापारी हैं जो इस तरीके का गली मोहल्लों में नशा बेचते थे वो कहीं ना कहीं खौफजदा जरूर है। बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जो छोटे नशा व्यापारी थे उन्होंने नशा बेचना बंद कर दिया क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर चलता हुआ वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके घर वाले उनके परिजन जो है वो भी उन्हें ऐसा काम करने से रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है जो हरियाणा में होती नजर आ रही है और अगर जिस तरीके से अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें जिस तरीके से पंजाब तो बिल्कुल कमलप्रीत कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का असर भी जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये बुक्की बरामद हुई है और एसटीएफ की टीम ने जो स्पेशल कार्रवाई करी है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैं भी 5:30 के आसपास आ गया था और मुलाजिम जो मुजरिम है वो भी दो बंदे अरेस्ट करके और वहाँ पर बिठाए हुए हैं और सारा जो एनडीपीएस का सामान पकड़ा गया है ये सारे कट्टों में सील किया हुआ है और ड्यूटी एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैंने सारे कट्टों में अपने साइन भी कर दिए हैं।